जय श्री श्याम। हर साल की तरह इस साल भी श्री श्याम परिवार संघ वालों बाबा श्याम जी के जन्म दिवस के मौके पर चौथा विशाल खाटू श्याम जी का बाला जी का जागरण 12 नवंबर को करवाया जा रहा है, जो कि पुराना हाई कोर्ट ग्राउंड विखे होगा। तो जे यदी जागरण की शुरुआत है सही 7 बजे होगी। तो इस तो बिना कल मिति 11 नवंबर को अपनी एक विशाल शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है, जो कि 3 बजे दोपहर मोतीपुर डेरा तो स्टार्ट होनी है। मोतीपुर डेरा तो स्टार्ट होकर यह देवी दुआला चौंक सदर बाजार भिखी मोड़ होंदे हुए पांडूसर महला तो अपना पुराना हाई कोर्ट ग्राउंड के यदा समापन होगा जी। कोई लंगर की व्यवस्था भी रखी गई है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। शोभा यात्रा के दौरान भी लंगर की व्यवस्था रखी गई है, तो जागरण के भी व्यवस्था रखी गई है। शोभा यात्रा के जो स्टार्टिंग दे है, सब तो पहला श्री शिव मंदिर डेरा मोती पूरा कमेटी के वालों हर साल उत्थे शिव मंदिर के अपनी लंगर की व्यवस्था की जाती है। इस साल भी यह व्यवस्था उन्होंने वालों ही की जा रही है। तो शोभा यात्रा के समापन के हर साल श्री नैना देवी मंदिर कमेटी के वालों यह भंडारे की जो व्यवस्था है रात के टाइम वो की जाती है। तो इस साल भी उन्होंने कमेटी वालों ये व्यवस्था की जा रही है। जो जागरण के है जो भंडारे की व्यवस्था है अपना पुराना को हाई कोर्ट ग्राउंड के जो सामने जैन स्कूल है ये व्यवस्था उत्थे सारी की गई। सारी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्होंने सेफ्टी वास्ते की कोई प्रबंध किए गए? बिल्कुल प्रबंध किए गए हैं जी। एक स्पैशल 40 सिक्योरिटी गार्ड पटियाले तो हायर किए गए हैं, जो उन्होंने व्हीकल सही तरीके लगवाएंगे तो निगरानी भी रखेंगे। उस तो बिना अपना पंडाल के भी नियर अबाउट 30-32 करीब अपने कैमरे लगन गए जो अपना कवर करेंगे श्रद्धालु। हाँ जी हाँ। पार्किंग का प्रबंध कितने रखे? पार्किंग का प्रबंध तो जी अपना जो टू व्हीलर है जी, वो तो अपने ग्राउंड के आस पास ही है। जो बड़े अपने साधन आएंगे वो सारा अलोरा गेट साइड लगेगा जी। अलोरा गेट तो तुम हर साल जिमें करवाने कि चौथा विशाल जागरण है? चौथा विशाल जागरण करवा रहे। की अपील करना चाहते हो शहर वासियों? सारी संगत को यही बेनती करते हैं कि अपने परिवार के नाल दोस्तों रिश्तेदार इस शोभा यात्रा के और इस जागरण के पहुँचो तो शाम बाबा जी तो बाला जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय श्री शाम जी सारे नाभे वासियों। जय श्री शाम। जो अज समागम की तैयारियां चल रही ने तुम देख ही रहे हो, अलग अलग रूप के तैयारियां चल रही ने। असी बाहरों बुलाए ने, साडे बड़े सत्कारयोग ने। असी रंगोली अज रात शुरू कर देंगे, जो कि एक नाभे के इतिहास में पहली बार रंगोली इन्नी जबरदस्त रंगोली बनेगी। वो घट्टो घट 2 या 2.5 महीने रंगोली सारे नाभा वासियों देखने लिए मिलती रहेगी। तो होर भी साढ़े असी इस टाइम हाई कोर्ट के ग्राउंड के बाहर खड़े हैं, जिस विच अलग अलग तैयारियां साढ़े सारे शाम परिवार अंदर तैयारियां चल रही ने। तो इस बार नाभा वासियों बहुत ही हुमहुमा के निशान यात्रा भी पहला नालों बहुत ही भव्य निशान यात्रा देखने मिलेगी। निशान यात्रा अपनी मोतीपुर डेरे तो जी 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी। उस तो पहला साढ़े मोतीपुरी डेरे वाले लंगर की सुविधा दे रहे हैं सानू, तो उस तो 3 बजे स्टार्ट होकर अपना सदर बाजार होकर भिखी मोड़ तो अगे राधा कृष्ण मंदिर तो हाई कोर्ट समाप्ति हो जाएगी। 12 नवंबर हाई कोर्ट विखे 7 बजे खाटू श्याम से बाला जी का उत्सव शुरू हो जाएगा, जिस विच बॉलीवुड सिंगर हेमंत ब्रिजवासी जी अपने आगरा तो गौरी साक्षी जी उरे आ रहे हैं। सारे नाभे वासियों को साढ़े श्याम परिवार यही अपील करता है कि हुम हुआ के कल निशान यात्रा में पहुँचो, तो परसों 7 बजे सही 7 बजे अपना हाई कोर्ट ग्राउंड विखे पहुँचो, जिथे हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने जैन स्कूल में असी लंगर की सुविधा की हुई है। जय श्री श्याम जी। कल शोभा यात्रा 3 बजे मोतीपुरी डेर तो चलनी है। हाँ जी, असी सारे रस्ते दे विच तकरीबन लगा लो जिदे को दुकानदार को गए आंगे। हाँ जी, सामने तकरीबन सानू 200 तो लैके 250 दे विच दुकानदार भरावां ने सानू सहयोग दिता है, जिहड़े फुल्लां दी वर्षा करनगे। ठीक है जी। और 20 तो लैके 30 जगह साडा लंगर की व्यवस्था होगी, जिदे विच ईवन तक कि सानू केसर का दुध लोगों को पिलाया जाएगा, तो उस तो इलावा जलजीरा पानी की स्टॉला सारी लगनगियां जी। ते लाइटिंग दा प्रबंध शहर दे विच? हाँ जी, सारी सारे जड़े भी रूट ते निकलेगी शोभा यात्रा उत्थे सारी जगह लाइटां लगियां हुई हैं, ते लड़ियां पई हुई, सजावट भी की हुई है लोगों ने जगह जगह। प्रशासन का किन्ना साथ तुहानू मिल रहा है? प्रशासन जी देखो जी, असं कोई भी काम कह रहे प्रशासन को, सारा प्रशासन साढ़े नाल खड़ा है, सहयोग दे रहा है। ईवन तक कि असं SHO को जाके आए हैं, PSP साहब को मिलेंगे, तो सारे कहते भी असं उत्थे ही होवांगे। सारे प्रशासन लोगों की जेडे जेडे श्रद्धालु आएंगे है ना, चाहे शहर के ने चाहे दूरों आएंगे, तो उन्होंने सेफ्टी के बारे जो प्रशासन देखो जी गल हुई? हाँ जी हाँ, बिल्कुल हुई है जी। प्रशासन के नाल सारी गलबात हुई है, सारा प्रशासन साढ़े नाल है। पहला भी सहयोग मिलता रहा,
प्रोग्राम कराने रहे हैं ते हुण भी मिल रहे सानू बहुत वधिया सहयोग मिल रहा। जागरण दा किन्ने बजे दा टाइम रखिया तुसीं? जागरण 7 बजे तकरीबन, सही 7 बजे शुरू हो जाएगा और प्रभु इच्छा है कि 1 बजे 2 बजे वो प्रभु इच्छा। जिहड़ी शोभा यात्रा जी अपनी हर साल की तरह इस साल भी मोतीपुरा डेरे तो निकलनी है, जिहड़ा लोगों नू बहुत ज़्यादा इस बार क्लीन टाइम की इहदा टाइम हैगा जी कल 3 बजे का, 3 बजे 11 तरीक 3 बजे मोतीपुरा डेरे तो हो के देवी दुला चौंक तो भिखी मोड़ तो पांडूसर मोड़ तो होके अपना हाई कोर्ट के समाप्ति है जी। ठीक है, तैयारियां सारियां मुकम्मल कर ली गई? तैयारियां मुकम्मल ही ने जी सारियां, अज रात तक सारा क्लीयर हो जाएगा लाइटिंग वगैरह ते टेंट सारे शहर च लाइटिंग हो रही है जी। ये हाँ जी टोटली जिन्ना शहर है सारे शहर दे विच हो रही है जी। 12 नवंबर नु की टाइम है जी? मतलब 12 नवंबर नु जी अपना 6 बजे तो पब्लिक ने आना शुरू कर देना है ते 7 बजे तो अपना जागरण शुरू हो जाएगा जी। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। हर साल की तरह इस साल भी असी जागरण ते शोभा यात्रा कर रहे हैं जी। कल 11 नवंबर नु साडी शोभा यात्रा मोतीपुरा डेरे तो मैस गेट तो चलनी है जी। हाँ जी हाँ, बाजारों चो होंगी हुई चौंक सदर बाजार चो होंगी हुई हाई कोर्ट संपूर्ण होगी जी। ठीक है, असं श्रद्धालुओं ने अपील करते हैं भी तुम 1:30 बजे उत्थे पहुँचो मोतीपुरा डेरे, उत्थे आके तुम उत्थे लंगर की व्यवस्था हैगी है, तुम लंगर छको, फिर उस 2:30-3 बजे साड़ी शोभा यात्रा आरंभ होगी उत्थों की। रस्ते च भी पूरा प्रबंध है जी, 25 तो 30 स्टॉला लगी हुई ने, जो दुकानदार वीर ने सामने ला रखी ने साथ मतलब फुलों की। हाँ जी हाँ, एस्टिमेटेड 225 दुकाना ने जो शहर दी जिन्होंने सानू साथ दिता है भी असं फुलों की वर्षा करांगे। 25 तो 30 स्टॉला ने जो अलग अलग चीज़ों की स्टॉला ला रहे हैं, संगत को कोई दिक्कत ना आए इस तरह की, पानी की जूस की दुध की। अगले दिन का फिर की टाइम टेबल? अगले दिन असी श्रद्धालुओं को यही अपील की है भी तुम 6 बजे आओ तो 7 बजे हाँ जी शाम को 7 बजे जागरण शुरू हो जाएगा जी, जिहड़ा प्रभु इच्छा तक चलेगा। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ 2 ਗਾਇਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿਮਰੰਤ ਬ੍ਰਿਜਵਾਸੀ ਜੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਤੇ ਗੌਰੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਆਗਰਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤਾਂ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਦਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ 4th ਮਹਾਉਤਸਵ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਾਭੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੱਕ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਬੀਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ।